आज हम इस तरीके से मैट बनाना सीखेंगे। इसे हमने पुराने दुपट्टों से बनाया, देखिए इस तरीके से काफी अच्छे और बड़े साइज में हमने इसे बनाया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बॉटम है। बॉटम में मैंने पुरानी बेडशीट का यूज किया है, आप कोई भी पुरानी पैंट का पीस पड़ा हो उसका भी यूज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ ऊपर की तरफ मैंने दुपट्टों से इस पे डिजाइन बनाया है, फ्रंट साइड बैक साइड इस तरीके से। और बनाने में बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बनाया है। अगर सिंपल सिलाई लगानी भी आती है आपको तो भी आप इसे इजीली बना सकते हैं, छोटे साइज में, बड़े साइज में, किसी भी साइज में आप बना सकते हैं। देखिए मैंने इसको लॉन्ग रनर में इस तरीके से बनाया है, आप चाहे तो इससे बड़ा साइज भी बना सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना सीखते हैं। जो भी पुराने रंग बिरंगे दुपट्टे हों आपके पास वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। और हमें क्या चाहिए, इस तरीके से हमें बेस चाहिए। बेस के लिए मैं पुरानी बेडशीट यूज कर रही हूँ, आप कोई भी थोड़ा सा थिक कपड़ा हो कॉटन का वो यूज कर सकते हैं, कोई बेडशीट पुरानी यूज कर सकते हैं, कोई पैंट का कपड़ा पड़ा हो पुराना वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया है, ये मैंने लिया है 19 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है 42 इंच। आप जितना बड़ा ये फ्लोर मैट बनाना चाहते हैं आपको उतना बड़ा बेस लेना है। तो ये हमारा बेस हो गया, 2 मिनट हम इसे साइड पे रखते हैं और सबसे पहले हम दुपट्टा ले लेते हैं। देख फोल्ड हमें कैसे करना है, फोल्ड हमें यहाँ से इसका जो एज होता है यहाँ से साइड वाली कन्नी वाली साइड होती है इस तरफ से हमें कट करना है। स्ट्रिप्स कटिंग करनी है हमें, ऐसे स्ट्रिप नहीं कटिंग करनी है, ऐसे हमें लेंथ वाइज कटिंग करनी है। अगर आप ऐसे कटिंग करेंगे तो आपकी स्टिचिंग में प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो हमारा कपड़ा खींचता है तो उसमें सिलाई नहीं लगेगी, इसलिए स्ट्रिप्स आपको ऐसे लेंथ वाइज कटिंग करनी है। तो चलिए हम इसमें से स्ट्रिप कटिंग, तो यहाँ साइड से एज वाला जो इसका पोर्शन है इस तरीके से कन्नी वाला पोर्शन होता है इसे मिलाते हुए मैं इसे पूरा फोल्ड कर लूंगी। ये देखिए ये देखिए इस तरीके से वेस्ट दुपट्टों में से मैंने ये स्ट्रिप्स कटिंग कर ली। अब इन्हीं को ज्वाइन करके हम मैट बनाएंगे। बनाना कैसे है, इस तरीके से बेस लेना है जो हमने बेस कटिंग किया था, एक तरफ से हम इसमें लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से ये जो हमने कट किया है इसे फोल्ड करना है इस तरीके से सेंटर में से, और यहाँ से हम इसे लगाते हुए सिलाई लगाते हुए बनाना शुरू करेंगे। इस तरीके से लगाएंगे, फिर इसके ऊपर ये दूसरा पीस रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो चलिए हम सिलाई लगाना शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने इसे बीच में से फोल्ड कर दिया, यहाँ कॉर्नर पे रखना है थोड़ा सा कॉर्नर से छोड़ के। ये देखिए जैसे जैसे हम बना रहे, देखिए बहुत ही खूबसूरत इसका डिजाइन बन रहा है। बस इसी तरीके से पूरा इसे फिल कर लीजिए। लगाना शुरू किया था और लगाते हुए देखिए मैंने पूरा इसको यहाँ से लेके इस कॉर्नर तक यहाँ तक पूरा देखिए फिल कर लिया है। तो जितना भी बड़ा आपने बनाना है इसी तरीके से आपको देखिए पूरा फिल करना है। तो मल्टी कलर में देखिए बहुत ही खूबसूरत इसका डिजाइन लग रहा है। अब हमें क्या करना है, इस तरफ और इस तरफ हम इसे पाइपिंग से फिनिश करेंगे। यहाँ मैंने साइडों पे भी एक सिलाई लगा ली है, यहाँ से लेके यहाँ तक और उस कॉर्नर पे दोनों तरफ। अब हम यहाँ दोनों तरफ पाइपिंग लगाएंगे और इस तरफ हम सिंपल फोल्ड करके फिनिश करेंगे। तो करना कैसे है, देखिए यहाँ से जस्ट सिंपल इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। ये दूसरी तरफ को मैंने फोल्ड कर लिया,
इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगा लीजिए, तो हमारा ये कॉर्नर से फिनिश हो जाएगा। इस कॉर्नर से भी और दूसरे कॉर्नर पे हमें क्या करना है, जहाँ पे हमारा इस तरीके से ख़त्म हुआ है, इसे भी हम दूसरी तरफ को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने फोल्ड किया इस तरीके से, फोल्ड करते हुए देखिए इस पे सिलाई लगा ली। ये देखिए, ये मैंने अंदर की तरफ को फोल्ड करके फिनिश कर लिया। इस तरफ से भी हमारा फिनिश हो गया और इस तरफ से भी हमारा फिनिश हो गया। अब हम इसे साइडों से फिनिश कर लें, तो इसे दूसरी तरफ को फोल्ड कर देते हैं। इस तरीके से फोल्ड करते हुए ये पट्टी लेनी है हमें, एक पट्टी रखनी है इस तरफ, यहाँ पे रखते हुए। ये मैंने दुपट्टे वाली ही ली है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई रख लीजिए, लगा लीजिए। और एक पट्टी को रखना है आपको दूसरी तरफ, इस तरफ रखते हुए। ये मैंने पूरे लंबाई पे इस पे सिलाई लगा ली। अब इसे दूसरी तरफ को फोल्ड कर लेना है, इस तरफ को फोल्ड करते हुए रखना है, यहाँ से इस तरीके से कॉर्नर बनाते हुए वन फोल्ड, फिर इसे इसके ऊपर फोल्ड करना है। देखिए तो हमारी पाइपिंग सी आ जाएगी, पट्टी सी बन जाएगी इस पे। ये मैंने फोल्ड कर लिया, देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए एक कॉर्नर से पूरा लंबाई में इस पे सिलाई लगा लीजिए, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। और अगर आप चाहें तो यहाँ बीच में इस तरीके से सेंटर में सिलाई लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो इस पे पूरे पे सिलाई लगा लीजिए, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी। ये देखिए, ये मैंने इसे साइड पे पूरा सिलाई लगा दी, इस तरफ भी पाइपिंग से, उस तरफ भी पाइपिंग से फिनिश हो गया। और यहाँ देखिए लंबाई में भी मैंने सिलाइयाँ लगा दी, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 सिलाइयाँ देखिए इस तरीके से मैंने बीच में भी लगा दी ताकि हमारा अच्छे तरीके से रहे। तो देखिए बैक साइड, फ्रंट साइड, इस तरीके से देखिए, और काफ़ी अच्छे देखिए बड़े साइज में बनाया है मैंने। इस तरीके से देखिए हमारा मैट ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये देखिए फ्रंट साइड, बैक साइड। तो आप भी इसी तरीके से छोटे साइज में, बड़े साइज में पुराने बचे हुए दुपट्टों से बना सकते हैं। तो मैंने इसमें 4 दुपट्टों का यूज़ किया है, उसमें से भी मेरे पास बच गया है। तो 3 दुपट्टों में से आपका ये ईजिली बन जाएगा। अगर आपके पास 3 दुपट्टे भी हैं तो उसमें से आप इसे ईजिली बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल रेडी हो गया, फ्रंट साइड, बैक साइड, इस तरीके से देखिए बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। मशीन वॉशेबल है, पूरी सिलाइयाँ लगी हुई हैं, तो आप इसे मशीन में भी इजिली वॉश कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है।